गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बेटा, आपकी इंग्लिश की बुक वीवर्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि वो आपने कर लिए होंगे। रिटन और लर्निंग वर्क उनका दोनों का आपका कंप्लीट होगा बेटा, दोनों चैप्टर का। टुडे वी विल डू चैप्टर 3, माई साड़ी। ठीक है, मेरी साड़ी। हाँ बेटा, इसको करने से पहले बेटा आपको ये पता ही होगा कि साड़ी क्या होती है। साड़ी के बारे में बेटा आपको पता होगा, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी चाची, बुआ जी, दीदी, कोई बेटा साड़ियाँ पहनते हैं और वो आपने देखी भी है बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या होती है साड़ी। साड़ी एक लंबा सा कपड़ा होता है जो हमारी मम्मी, हमारी दादी और ये सब पहनते हैं। ठीक है, जेंट्स नहीं पहनते बेटा, लेडीज पहनती हैं। ठीक है, आप देखिए, डू यू वियर योर मदर्स और फादर्स क्लोथ समटाइम। अब बेटा यहाँ पर इसको करने से पहले बेटा देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला देखिए, डू यू वियर योर मदर्स और फादर्स क्लोथ समटाइम। क्या आपने कभी अपने मम्मी या पापा के कपड़े पहने हैं? बेटा देखिए, जब भी आप वर्क करते हो ना, आपका वीवर्स का हो चाहे ग्रामर का हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी बुक्स को अपने साथ लेकर बैठेंगे। ठीक है, जो चैप्टर यहाँ दिया जा रहा है वो आप अपनी बुक में ओपन करेंगे और फिर साथ साथ उसको समझते जाएंगे। ठीक है, और पेंसिल भी साथ लेकर बैठेंगे। अब इसमें पूछा है बेटा, डू यू वियर योर मदर्स और फादर्स क्लोथ समटाइम्स। क्या आपने कभी अपनी मम्मी के या पापा के कपड़े पहने हैं बेटा? क्या आपने कभी पहना है? अब बेटा पहला है ये, अगर आपने पहना है तो आप इसमें यस लिखेंगे और अगर नहीं पहना है तो नो लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने अपने मम्मी पापा के कपड़े या साड़ी कभी पहन के देखी हो, मम्मी के या पापा के कपड़े शर्ट वगैरह पहन के देखी हो, तो आप यस लिखोगे, नहीं तो नो लिखोगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, डू यू ट्राई ऑन द स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स होते हैं बेटा चश्मे। ठीक है, क्या कभी आपने स्पेक्टिकल्स ट्राई किए हैं अपने पेरेंट्स के? और शूज या नहीं जूते, ठीक है, ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, क्या कभी आपने पेरेंट्स, मम्मी पापा के या दादा दादी के चश्मे पहन के देखे हैं या उनके जूते पहनकर देखे हैं? तो बेटा अगर आपने पहनकर देखा है तो यस, चश्मे पहने हैं या जूते पहने हैं, इनमें से कोई भी चीज पहने तो आपको यस लिखना है। ठीक है, अगर नहीं पहना तो आपको नो लिखना है। ठीक है, अब अगर पहने हैं तो हाउ डज इट फील, तो आपको कैसा महसूस होता है? अगर आपने दादा के चश्मे पहने तो आपको कैसा महसूस हो, या पापा के पहने, या नहीं पहना, नहीं पहना तो आप कुछ लिखोगे नहीं, लेकिन अगर पहना है तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपको क्या महसूस, आपको ये लगा कि मैं तो मेंबर, अपनी फैमिली का हेड बन गया हूँ, मैं तो दादाजी की, आप कई बार उसमें दादाजी की तरह या पापा की तरह बातें करने, वो पहना और उनकी नकल भी करते हो। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपको ये करना है। आप देखिए बेटा, हम इसको रीड करते हैं, आपको ये ध्यान से पढ़ना है बेटा। अब बेटा ये देखिए, इसके अंदर बेटा जब भी कोई लेसन होता है ना, तो उसके नीचे उसके राइटर का नाम होता है। इसमें बेटा नीचे इसका राइटर का नाम लिखा है, और ये वाला बेटा देखिए, ये वाला, ठीक है, ये है, और ये क्या है बेटा, देवजानी चटर्जी। कौन है ये? देवजानी चटर्जी बेटा, ये इसकी राइटर है। ठीक है, आप देखिए बेटा, सारीज हैंग ऑन द वॉशिंग लाइन। सारीज हैंग बेटा, आपको अपनी उंगली रखनी है अपनी बुक में, ठीक है, और मैं जहाँ पढ़ रही हूँ वैसे वैसे आपको उंगली को सरकाते जाना है और आपको रीड करते जाना है। जहां मैं रुक जाती हूँ वहीं पर आप भी रुक जाओगे, फिर उसको समझोगे। देखिए, साड़ीज हैंग ऑन द वॉशिंग लाइन बेटा, क्या कि जो साड़ियां हैं, हैंग बिन होता है लटकना, लटकी हुई है कहाँ पर, वॉशिंग लाइन मीन्स धो धो करके एक रस्सी के ऊपर ऐसे साड़ियां लटका रखी है। ठीक है, ऐसे लटकी हुई है वो साड़ियां बेटा, डिफरेंट कलर्स में है। ठीक है, वो कोई ऑरेंज कलर में है तो कोई रेड में है, कोई पर्पल में है। ठीक है, ए रेनबो इन आवर नेबरहुड, कैसे लटकी हुई है, जैसे कि हमारे पड़ोस में एक रेनबो, रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष, रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष
इंद्रधनु जैसे लटकी हुई है, जैसे कि हमारे पड़ोस में रेनबो आ गया हो, ठीक है, नेबरहुड। होता है पड़ोस। इस तरह से बेटा साड़ियां लटकी हुई हैं जैसे कि रेनबो। रेनबो में बेटा सेवन कलर्स होते हैं, इसका मेन जो साड़ी है ना वो भी सेवन कलर्स में है वहां पर, ठीक है। दिस लिटल ऑरेंज वन इज माइन, और इनमें से बेटा क्या कि जो एक छोटी सी जो ऑरेंज कलर की साड़ी है ना, इज माइन। माइन बेटा यूज होता है मेरे लिए, माय के लिए। माइन मीन मेरी, कोई मेरी चीज है, जैसे कि पेन, मैं ये बोलू पेंसिल, दिस पेंसिल इज माइन, इसका मीन है यह मेरी है। दिस बुक इज माइन, दिस ड्रेस इज माइन, ठीक है। तो बेटा माइन यूज होता है मेरी के लिए, ठीक है। दिस लिटल ऑरेंज वन इज माइन, इनमें से जो ये ऑरेंज कलर की है ना एक छोटी सी, ये मेरी साड़ी है। इट हैज ए मैंगो लीफ डिजाइन, और इस साड़ी के अंदर बेटा जो ऑरेंज कलर की साड़ी है ना, जो ऑरेंज वाली साड़ी है, इसके अंदर जो डिजाइन बना हुआ है वो क्या है बेटा, मैंगो लीफ बनी हुई है, एक आम के पत्ते का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, I wear it as a Rani Wood, और मैं इसे कैसे पहनती हूँ, रानी वुड स्टाइल में पहनती हूँ, ठीक है, जैसे रानी पहनती है ना उस तरह से। It wraps round me like sunshine, और जब मैं रैप होता है बेटा लपेटना, मैं इसे लपेटती हूँ, जब मैं इसे, it wraps round me, यह मुझे अपनी चारों ऐसे लपेट लेते हैं जैसे कि सूर्य चमक, मींस इसको जब मैं पहनती हूँ ना तो ये बहुत ही जैसे शाइनिंग, सूरज चमकता ना इस तरह से मैं इसके अंदर दिखाई देती हूँ, ठीक है। इट रिपल्स सिल्की, यह कैसी है बेटा, इसका जो कपड़ा है ना वो सिल्की टाइप में है, डाउन माई स्पाइन, ठीक है। एंड आई स्टैंड टाल एंड फील सो गुड, और जब मैं इसे पहनती हूँ ना, पहनकर जब मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मैं कैसी दिखती हूँ, मैं लंबी और फील सो गुड, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब मैं इसे पहनती हूँ, ठीक है बेटा। मीन्स ये जो पोयम है ना, ये किसी लेडीज ने लिखी है, तो ये वुमेन ने लिखी है बेटा, तो इसका मीन क्या है, देवयानी चटर्जी जो है यहाँ पर एक वुमेन है, मैन नहीं है बेटा, ठीक है। आपको ये समझना है क्या कि वो साड़ियों के बारे में बता रही है कि एक रस्सी के ऊपर बेटा साड़ियां टंगी हुई और डिफरेंट कलर्स में है, लेकिन उनमें सेवन कलर्स की ही साड़ियां है, क्योंकि बेटा रेनबो बताया गया है, ठीक है, रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं बेटा, तो इसका मीन्स जो साड़ियां भी है वो रेनबो वाले सेवन कलर, जैसे रेनबो में जो सेवन कलर होते हैं ना, रेनबो में सेवन कलर्स कौन से होते बेटा, आपको याद नहीं रहता है तो आप ये याद कीजिए, इसमें होता है बेटा विब जोर, ठीक है, वी से वॉयलेट, वॉयलेट होता है बेटा, ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, इस तरह से बेटा सेवन कलर्स होते हैं, रेड होता है, ऑरेंज होता है बेटा, ठीक है। मैं आपको लिखवा दूंगी इंद्रधनुष के सेवन कलर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा आपका ये आज का पोयम है, आपको इसे ध्यान से समझना है, ठीक है, और फिर आपको बेटा मैं कल इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये सब करवाऊंगी, लेकिन बेटा आपको जब भी कोई चीज समझाई जाती है ना, उसे आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। आपको बेटा ये पोयम रीड करनी है और समझनी है बेटा, ठीक है। थैंक्स बेटा।